हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए, जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। नंदराय जी, कोई कोई सत्य बड़ा भयंकर और दुखदायी होता है। आप पुरुष हैं, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी, भगवान के लिए बताइए इस घर में क्या हो रहा है, क्या बात है? नहीं भाभी, मुझ में हिम्मत नहीं है आपको ये बात बताने की। आप नंदराय जी से ही पूछ लीजिए, पर उसको सुनने से पहले अपना कलेजा पत्थर का कर लेना। तो फिर मेरा कृष्ण किसका पुत्र है? देवकी और वसुदेव का। अगर वो देवकी का पुत्र है तो मेरे घर में कैसे आया? उस रात कुमार वसुदेव उसे आपकी शैया पर रखकर बदले में उस कन्या को ले गए थे। वो बंदी गृह की बेड़िया तोड़कर कैसे आ सकते थे? पिताजी, अक्रूर जी, इस प्रकार अकस्मात आने का कुछ तो कारण होगा। नंदराय जी, मैं एक न्योता लेकर आया हूं। न्योता? किसका? महाराज कंस का। महाराज कंस का? किसके लिए? कृष्ण के लिए। महाराज कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है। कृष्ण मथुरा? मैं कुछ समझा नहीं, महाराज को कृष्ण से मथुरा में क्या काम है? मथुरा के उत्सव में राज्य के सारे वीर अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करेंगे। महाराज कंस चाहते हैं कि कृष्ण भी उस अवसर पर आए। हो सकता है वो उसे उसकी वीरता के लिए सम्मानित करना चाहते हो। कृष्ण उन योद्धाओं के बीच? क्या कह रहे हैं आप? रहने दीजिए अक्रूर जी, हमें किसी सम्मान वम्मान की आवश्यकता नहीं। यशोदा उसे कहीं नहीं जाने देगी। परंतु उसे जाना होगा। मगर क्यों? हम उसे नहीं भेजना चाहते, फिर क्यों जाना होगा? क्योंकि ये महाराज कंस की आज्ञा है। नंदराय जी, समझने की कोशिश कीजिए, ये राजाज्ञा है। और यदि उसे हम ना भेजे तो? तो राजाज्ञा भंग करने पर राजा के सैनिक भी आ सकते हैं। और मेरे विचार से राजा के सैनिक गोकुल के आसपास ही कहीं होंगे और देख रहे होंगे कि राजा की आज्ञा का पालन हो रहा है या नहीं। ये कैसी आज्ञा है? ये तो अत्याचार है कि माता पिता से पूछे बिना किसी बालक को ये जबरदस्ती उठा लिया जाए। महाराज कंस ने यह आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछकर ही दी है। माता पिता से पूछकर आज्ञा दी है? परंतु हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। नंदराय जी, कोई कोई सत्य बड़ा भयंकर और दुखदायी होता है। आप पुरुष हैं, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी, अक्रूर जी, आपके होश तो ठिकाने हैं? आप समझ रहे हो जो कुछ आप कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि इसे स्वीकार करना आपके लिए कितना कठिन है। परंतु नंदराय जी, अंततः इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु कोई बात सत्य हो तब ना।
अग्नि भी कोई राह चलता अगर दिन को रात कह दे और सूरज को चंद्रमा कह दे तो क्या उसे मान लेना चाहिए? नंद राय जी, उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा। अक्रूर जी, आप राजनीति वाले लोग हैं, आपको बड़े मीठे और सभ्य तरीके से बात करने का ढंग आता है, परंतु हम गांव के सीधे साधे गवार लोग शब्दों का हेर फेर नहीं जानते। हम तो झूठे को उसके मुंह पर झूठा कह देते हैं। आपने इतना बड़ा झूठ मेरे मुंह के सामने बोलने की हिम्मत की तो क्या मेरा उत्तेजित होना स्वाभाविक नहीं है? यदि आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं आप उसकी जीप काट लेते। मैं जानता हूं आप कहीं से भांति कर तो नहीं आ गए, जिस तरह अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं। सारा संसार जानता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है और उसने इस घर में जन्म लिया है, परंतु नंदराज जी, अजीत अक्रूर जी, आप हमारे अतिथि हैं, हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। यदि किसी और ने यह बात कही होती ना तो हम उसे यमुना में भिखवा देते। इसलिए उचित यही होगा कि आप कृपा करके गोकुल से चले जाइए। आप गोकुल से चले जाइए। नंद राय जी, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। आप भी हैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। आप कृपा करके गोकुल छोड़कर चले जाइए, चले जाइए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरु जी से? क्या बात है? कुछ नहीं, ये बातें तुम्हारे सुनने योग्य नहीं है। सुनिए अक्रूर जी, ये सब क्या है? नहीं भाभी, मुझ में हिम्मत नहीं है आपको ये बात बताने की। आप नंद राय जी से ही पूछ लीजिए, पर उसको सुनने से पहले अपना कलेजा पत्थर का कर लेना। अक्रूर जी, ये सब क्या है? ये कैसा खेल खेलते हो तुम मानवों के साथ? किसी मनुष्य के जीवन में थोड़ी सी खुशी आ जाए तो तुम तो देखी नहीं जाती, फिर किसी को भेज देते हो उसमें विष खोलने के लिए। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? उधर अक्रूर जी से झगड़ करा रहे हैं आप और इधर भगवान जी से झगड़ रहे हैं। आखिर कुछ तो बताइए कि बात क्या है? क्या बताऊं यशोदा, मैं क्या बताऊं तुम्हें? आज मैं इस निर्दयी से ये पूछने आया हूं कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने जो इसने मेरे जीवन में कांटे ही कांटे बो दिए? बड़ी मुश्किल से एक पुत्र दिया था, उसकी खुशियां तो कम दी लेकिन कदम कदम पर उसकी मृत्यु का भय दिखाकर पल पल मेरे हृदय को खपाता रहा है। कभी पूतना उसे विष पिलाने आ गई तो कभी त्रिणावत मेरे निरीह बालक को लेकर आकाश में उड़ गया, कभी बकासुर उसे मारने आ गया तो कभी किसी अजगर के मुंह में दे दिया। तुम नहीं जानती यशोदा, तुम नहीं जानती, मैं उसके साथ हंसता था लेकिन रात रात भर इस भय से सो नहीं पाता था कि पता नहीं कौन सी नई विपत्ति आ जाए मेरे लाल पर। आज इसने सबसे बड़ा पहाड़ मेरे सर पर तोड़ दिया, अक्रूर से यह कहलवा के कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं। क्या क्या कहा अक्रूर जी ने? उसने कहा कि तू उसकी माता नहीं, मैं उसका पिता नहीं। नहीं, वो ऐसे नहीं कह सकते। कोई भी ऐसा कैसे कह सकता है? आपने अवश्य सुनने में कोई गलती की होगी। नहीं यशोदा, नहीं, मैंने सुनने में कोई गलती नहीं की। उसने स्पष्ट शब्दों में मुझसे यही कहा कि कृष्ण तुम दोनों का पुत्र नहीं। नहीं, भगवान के लिए ऐसे शब्द मत दोहराइए, मत दोहराइए। वो इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकते हैं? उसने कहा यशोदा, उसने यही कहा। चलिए मेरे साथ, मैं अभी अक्रूर जी से पूछती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की। जाइए मेरे साथ, चलिए। आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं, बोलिए, आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं? हाँ,
मैंने यही कहा। इतना बड़ा झूठ बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक माँ के सामने ये कहते हुए कि उसका बेटा उसका अपना बेटा नहीं है, आपकी दीवारें ही ढलाती, आपकी आत्मा नहीं कांपती। गुरुजी, बेटा कोई चांदी का लोटा सोने का आभूषण नहीं, जिसे आप ये कह सके कि मैं किसी और का चुरा रही हूं। शिशु भगवान का भेजा हुआ एक दिव्य शरीर होता है, जिसे माँ अपने शरीर में से जन्म देती है। इस सत्य को स्वयं परमात्मा भी नहीं झुठला सकते, तो आप कौन होते ये कहने वाले कि जिसे मैंने 9 महीने अपने घर में पाला, जिसने मेरी ही कोख से जन्म लिया, वो मेरा बेटा नहीं है। परंतु कृष्ण ने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया, इसीलिए वो आपका पुत्र नहीं है। ऐसी बातें करना महापाप है गुरु जी, ऐसी ऊंची बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं होती? भाभी, आप मेरी विवशता को क्यों नहीं समझती है? मैं रास्ते भर भगवान से यही प्रार्थना करता आ रहा था कि काश आपको ये सत्य बताने से पहले मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं। परंतु क्या करूं, परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया है ये सत्य बताने पर। एक झूठ को आप सत्य कैसे कह सकते हैं? सारा संसार जानता है कि इसी घर में मेरे कृष्ण ने मेरी एक ओख से जन्म लिया है, उसी बात को आप झूठ कैसे कह सकते हैं? छल और मिथ्या भाषण की भी कोई सीमा होती है गुरु जी? छल की सीमा होती है देवी, परंतु सत्य की कोई सीमा नहीं होती। सत्य हर जगह और हर समय सत्य ही रहता है। सत्य को कुछ काल के लिए छिपाया जा सकता है, परंतु सत्य को छिपाने से सत्य झूठ नहीं हो जाता, और यही बात इस समय हो रही है। हमने इतने वर्षों तक इस सत्य को छिपाए रखा, परंतु आज ये सत्य प्रकट हो चुका है। यही हम सबका दुर्भाग्य है। अक्रूर जी, जो आप कह रहे हैं यदि वो सत्य है तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ है, परंतु उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि कृष्ण ने इसी घर में यशोदा भाभी के ही गर्भ से जन्म लिया, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? सबसे पहले उस बालक को किसने देखा? मैंने। आपने उसे जन्म लेते हुए देखा? अरे, बालक का जन्म भी हो गया। यशोदा बहन उठो उठो, बालक का जन्म भी हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला? नहीं, मैं जब वहां आई तो बालक का जन्म हो चुका था। उस कक्ष में और कौन था? नंदराय जी थे। आपने उस बालक को जन्म लेते हुए देखा था? नहीं, मैं सो रहा था। और यशोदा भाभी? वो तो बेहोश थी। और कोई था? कोई दाई, कोई गांव की औरत? नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण को जन्म लेते हुए किसी ने नहीं देखा। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए, ये कैसी अनर्गल बातें हो रही हैं? किसी ने देखा नहीं तो इसका ये अर्थ तो नहीं कि मैंने बालक को जन्म ही नहीं दिया। मैंने 9 महीने तक एक बच्चे को अपनी कोख में रखा था, आखिर मैंने किसी को तो जन्म दिया होगा ना।
अवश्य जन्म दिया भाभी, अवश्य जन्म दिया, परंतु आपने जिसे जन्म दिया वो एक कन्या थी, जिसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि जब कंस ने उसे देवकी की संतान समझकर पत्थर पर पटकने की कोशिश की तो उसने अष्टभुजा देवी का रूप धर लिया था। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे मारने वाला तो कोई और है और वो इस धरती पर जन्म ही ले चुका है। ये कहानी सत्य हो सकती है, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वो कन्या मेरी ही पुत्री थी। अगर वो मेरी पुत्री थी तो वो कारागार में कैसे पहुंची? अवश्य वो देवकी की पुत्री थी। वो देवकी की नहीं, आपकी पुत्री थी। अगर मेरी पुत्री एक कन्या थी तो फिर मेरा कृष्ण किसका पुत्र है, किसका? देवकी और वसुदेव का। अगर वो देवकी का पुत्र है तो मेरे घर में कैसे आया? उस रात कुमार वसुदेव उसे आपकी शैया पर रखकर बदले में उस कन्या को ले गए थे। वो बंदीगृह की बेड़ियां तोड़कर कैसे आ सकते थे? उस समय किसी दैवी शक्ति की कृपा से उनकी बेड़ियां अपने आप टूट गई थी। इस काल्पनिक कहानी पर हम कैसे विश्वास कर लें? इस बात पर उसी तरह विश्वास कर लीजिए नंदराय जी, जिस तरह हमने उस बात पर विश्वास कर लिया था जब मां माया ने देवी देवकी के गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थापित कर दिया था। उस बात की पुष्टि स्वयं गुरुदेव शांडिल्य ने की थी। उन्होंने कहा था कि जो कुछ देवी ने स्वप्न में यशोदा को कहा है वो सब सच है। गुरुदेव शांडिल्य कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। तो इस बात को भी सत्य मानिए, क्योंकि ये बात स्वयं उन्होंने मुझे बताई है जो कभी झूठ नहीं बोलते। कौन? कुमार वसुदेव। वसुदेव भैया? हाँ वसुदेव भैया, ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं। हाँ भाभी, ये बात स्वयं उन्होंने ही स्वीकार की थी। स्वयं मैं भी ये बात कई वर्षों से जानता था और कई बार आपको बताना भी चाहता था कि कृष्ण के साथ इतना मोह मत बढ़ाइए, मोह मत बढ़ाइए भाभी, परंतु कुमार वसुदेव जी ने हर बार मना कर दिया मुझे। इतने वर्षों तक चुप रहे, फिर आज ही मुझ पर ये छुरी चलाने क्यों आए आप? क्यों? मेरा दुर्भाग्य, मेरी विवशता भाभी। कैसी विवशता? देवकी भाभी की आज्ञा। आप नहीं समझ सकेंगे कि इस आज्ञा का पालन करते हुए मेरे दिल पर कितनी छुरियां चल रही हैं। देवकी भाभी की इस एक आज्ञा ने हमारी जीती हुई बाजी हरा दी। वास्तव में वो भी विवश हो गई थी। इस रहस्य को छुपाने के लिए कितने साल उस बेचारी ने कारागार की यातनाएं सही, परंतु मुंह नहीं खोला। पर जब कंस ने कुमार वसुदेव भैया को जहरीले सांपों से भरे हुए अंधे कुएं के ऊपर टांग दिया तो उस पतिव्रता स्त्री को विवश होकर कंस के सामने यह कबूल करना ही पड़ा कि कृष्ण ही उनकी आठवीं संतान है जिसकी उस हत्यारे को आज तक तलाश है। तभी मजबूर होकर देवकी भाभी ने मुझे आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को गोकुल से ले आओ और कंस के हवाले कर दो। मैंने उनसे कहा भी कि मैं यशोदा भाभी को कैसे कहूंगा, क्या कहूंगा। उन्होंने इतना ही कहा कि यशोदा से कहना मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र की भीख मांग रही हूं।
मेरा पुत्र लौटा दो, मेरा पुत्र लौटा दो, लौटा दो, मेरा पुत्र लौटा दो। यशोदा, 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 यशोदा।